Hello student, good afternoon to everyone. I hope you all fit and fine at your home. आज हम आपके मैथ्स सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 10 क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9 सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 10 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराएंगे. जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ऋषेश्वरन गेट्स ₹8,460 एज मंथली सैलरी फ्रॉम ए प्राइवेट फर्म. कह रहा है कि ऋषेश्वरन जो है वो प्राइवेट फर्म में उसकी मंथली जो इनकम है वो कितनी है, 8,460 रुपीज़ है. ही वर्क एट अ पार्ट टाइम असिस्टेंट इन प्रिंटिंग प्रेस, और वो पार्ट टाइम का काम प्रिंटिंग प्रेस में असिस्टेंट के रूप में क्या करता है, पार्ट टाइम वर्क करता है प्रिंटिंग प्रेस में. तो हिज मंथली इनकम फ्रॉम द प्रेस, तो उस जहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करता है असिस्टेंट के रूप में प्रेस में, तो वहाँ पे उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 1,345 है. हिज मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो कितना खर्च कर देता है, कमाता है वो कितना, तो इतना ₹5,230 क्या करता है, एक महीने में क्या कर देता है, खर्च कर देता है. तो हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ, तो वो कितना पैसा प्रत्येक महीने में बचा लेता है. तो कैसे पता करेंगे कि वो कितना महीना प्रत्येक मंथ में बचा लेता है. तो अब जो पहले इसकी जो पहली सैलरी थी वो किससे मिलती थी, प्राइवेट फर्म से, और दूसरी जो सैलरी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी, प्रिंटिंग प्रेस से. तो इस दोनों को पहले क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो टोटल कितना कमाता है. तो टोटल इनकम पता चल जाएगा, जब टोटल इनकम पता चल जाएगा तो कितना खर्च है, इतना उसका क्या है, खर्च है. तो उसमें उसको जितना माइनस प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर जितना आंसर आएगा उसमें से 5,230 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो वही जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक महीने वो इतने पैसे क्या कर लेता है, बचा लेता है. बताइए, पूछा ना कि प्रत्येक महीने वो कितने पैसे बचा लेता है, तो निकल जाएगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऋषेश्वरन मंथली सैलरी फ्रॉम प्राइवेट होम इतना है, हिज मंथली इनकम फ्रॉम दैट प्रेस से कितना है, इतना है, और हिज मंथली एक्सपेंडिचर हर महीने में वो कितना खर्च कर देता है, इतना. तो पहले आपको क्या निकालना है कि वो कितना पैसा प्रत्येक मंथ में क्या कर लेता है, बचा लेता है. तो पहले उसका टोटल इनकम निकालेंगे, तो इसको और इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखे हैं ना, सो ही सेव एवरी मंथ, कितना पैसा वो बचाता है. तो पहले इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो देखिए 8,460 में किसको प्लस करेंगे, 1,345 को, तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, और 6 4 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, 4 3 7 7 और 1 8 8 1 9, देखिए इसका अब कितना आ गया, 9,805 इसका क्या हो गया, महीने की इनकम हो गई. तो यहाँ लिखेंगे 9,805 और कितना खर्च कर देता है, उसके 5,230 रुपीज़ क्या कर देता है, खर्च कर देता है. तो अब इसमें से जो माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, प्रत्येक महीने में जो पैसा बचाता है वो निकल जाएगा. तो अब बताइए 5 में 0 गया तो 5 ही हो जाएगा, तो ये बताइए 0 में 3 जाएगा नहीं ना, भारों लेना पड़ेगा 10, यहाँ बचेगा 7, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा. तो प्रत्येक महीने कितने पैसे बचा लेता है, 4,575 रुपीज़ क्या कर लेता है, बचा लेता है. तो इस तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब लिखा है मिस्टर रिजवी बॉट ए हाउस फॉर ₹4,25,000. मिस्टर रिजवी जो हैं एक घर खरीदते हैं इतने रुपीज़ का. ही स्पेंड ₹80,580 ऑन पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग द हाउस,
और हाउस को रंगवाने और उसको सजाने में इतना पैसा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹7,50,000। और वो जब एक ख़रीदते हैं और क्या करते हैं, उसको पेंटिंग करवा देते हैं और सजा देते हैं, तब उसको क्या करते हैं, उस घर को बेच देते हैं इतने रुपीज़ में। क्या करते थे, बेच, सोल्ड मतलब होता है बेच देते हैं। तो हाउ मच मनी, मोर मनी डिड ही गेट देन व्हाट ही हैड स्पेंट। तो वो कितना पैसा अधिक उनको मिलता है जितना वो खर्च किए रहते हैं, उससे कितना उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कितना खर्च किया था और कितना खर्च करने के बाद उनको कितना ज़्यादा पैसा मिला। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, टोटल उनका खर्च निकालना पड़ेगा। तो एक तो था घर खरीदे थे इतने में और उसकी उस घर की पेंटिंग कराए थे और डेकोरेटिंग इतने, तो पहले इस दोनों को क्या कर लेंगे आप लोग, ऐड कर लेंगे। टोटल पता चलेगा उस हाउस का कॉस्ट कितना हो गया, मतलब कितना उसमें खर्च किए, और फिर उसके बाद जितने में बेचेंगे उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा कितना उनको पैसे की प्रॉफिट हुई। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, लिखेंगे मिस्टर रजवी बॉट ए हाउस इतने रुपीज़ में, ही स्पेंड ए पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग हाउस इतने रुपीज़ में, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो पहले हम खर्च निकालेंगे, टोटल उनका कॉस्ट कितना पड़ा हाउस का, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इसको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। देखिए जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में एट प्लस करेंगे एट, जीरो में फाइव प्लस करेंगे फाइव, फाइव में जीरो प्लस करेंगे तो फाइव ही आएगा, एट में टू प्लस करेंगे जीरो, वन का कैरी, और यहाँ क्या आ जाएगा फाइव। अब टोटल जो इनका घर का कितने में खरीदें, हाउस का जो कॉस्ट हुआ वो हमारा कितना होगा, 5,580 होगा। अब कितने में बेच दिए थे, 7,50,000, तो कितना उनको ज़्यादा पैसा मिला। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्लेस के अकॉर्डिंग, माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कितना अधिक पैसा मिला। ठीक है, खरीद रहे इतने में और ये बेच रहे हैं 7,00,000 में, तो उनको ज़्यादा पैसा तो मिला ही होगा। तो इसको माइनस करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। शॉप ए हैज़ 1,200 पैकेट्स ऑफ टी, जो एक शॉप ए दुकान है वहाँ पे इतने टी के पैकेट हैं। शॉप बी में बी हैज़ 180 पैकेट लेस देन शॉप ए, और शॉप जो बी है वहाँ पे जो टी का जो पैकेट्स है वो शॉप ए से कितना कम है, 180 क्या है, कम है। और शॉप सी हैज़ 325 पैकेट मोर देन शॉप ए, और शॉप सी जो है उस वहाँ पे जो पैकेट ऑफ टी हैं वो शॉप ए से 325 क्या है, ज़्यादा हैं। ऑल टुगेदर हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टी डू दिस शॉप है, तो सभी को मिलाकर उस शॉप पे कितने पैकेट्स ऑफ टी हैं वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, शॉप ए तो दिया ही है कि कितने पैकेट हैं, शॉप बी का निकालना पड़ेगा और शॉप सी का निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों का निकाल लेंगे तब तीनों को आप लोग प्लस कर देंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि उसको पैकेट कितने हैं। तो कैसे आप लोग निकालेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले शॉप ए का है था कितना, 1,200 पैकेट ऑफ टी थे, और शॉप बी कह रहा था कि शॉप बी के जो पास हैं वो 180 जो है शॉप ए से कम है। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, 1,200 में से 180 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चलेगा शॉप बी पे कितने पैकेट ऑफ टीज हैं। तो माइनस करेंगे तो 1,020 जो होंगे वो शॉप बी के हो जाएंगे। ये हमारा हो गया शॉप बी का, निकल गया। शॉप सी का जो कह रहा था कि वो 325 पैकेट ज़्यादा हैं किससे, शॉप ए से, तो शॉप ए का कितना था, 1,200 प्लस, इसको क्या कर देते, ज़्यादा है तो प्लस कर देते, कम रहता तो माइनस कर देते हैं, लेस रहता तो माइनस कर देते हैं, मोर रहता है तो ऐड प्लस कर देते हैं। तो अब इसमें इसको प्लस करेंगे तो इसका हो जाएगा शॉप सी का जो हो जाएगा
पैकेट कितना हो जाएगा, 1525 हो जाएगा। अब देखिए शॉप ए का भी मिल गया, शॉप बी का भी मिल गया, शॉप सी का मिल गया, तीनों के क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो देखिए टोटल निकालेंगे, द टोटल नंबर ऑफ पैकेट ऑफ टी फ्रॉम द शॉप्स, देखिए ए में इतना था, बी का इतना था और सी का, सबको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबको आप लोग प्लस करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो आपको हम अभी थर्ड सॉल्व कराए ना, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा, तो उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स इज, दो नंबर जो बड़े थे उसका डिफरेंस जो है इतना है, द सम ऑफ दिस नंबर इज, और जो जो ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों थे उनका सम था कितना था, 10,580। उसमें अब फाइंड द देयर डिफरेंस, अब उसका हमको क्या निकालना है, इसका और जो एक और जो नंबर था उसका डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पहले नंबर निकालना पड़ेगा, तो ये इसमें से पहले इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा, और फिर जो दूसरा नंबर आएगा उसमें से आपको इसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे द ग्रेटर बिटवीन टू नंबर इतना था, द सम ऑफ द नंबर, और जो उसका सम था टोटल वो इतना था। तो अब इसमें से जो दोनों नंबर प्लस है इसी में, तो इसमें से दूसरा नंबर निकालेंगे, तो निकालने क्या करेंगे, इसमें से पहले इसको माइनस कर देंगे, सो द अदर नंबर 10,580 में से माइनस कर दीजिएगा 6,480। तो ये माइनस करेंगे तो जीरो में जीरो गया जीरो, एट में से एट गया जीरो, फाइव में से फोर गया वन, और ये जीरो में से तो सिक्स जाएगा नहीं, बारह में गया टेन, टेन में से सिक्स गया फोर, तो ये आ जाएगा दूसरा जो नंबर आपका होगा 4,100। अब कह रहा था देयर डिफरेंस, मतलब इसका और इसका फिर डिफरेंस उसका निकालना है, तो नाउ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो जो दो नंबर मिल गए ना, पहला नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, पहला नंबर ये हो गया दूसरा नंबर, अब इस दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, तो अब इसमें से 6,480 में से 4,100 को ऐसे आप लोग कॉलम में पहले लिख लीजिएगा अच्छे से सामने सामने, और फिर क्या कर लीजिएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2,380 आपका क्या हो जाएगा, ये उसका डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी लोग अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करके और उसके बाद अपने ग्रुप में सबमिट कर देंगे। सो थैंक यू एंड हैव नाइस टाइम।